जापान में एंटर होने के बाद अगर आपके पास मोबाइल डाटा या सिम नहीं है तो आप यहाँ पे आके इस तरह की शॉप से मोबाइल डाटा और सिम परचेज कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे आपको मोबाइल भी रेंट पे मिल जाता है कि आप जब विज़िट वीज़े पे आए 15 डेज़ के लिए या 20 डेज़ के लिए, तो आप यहाँ पे आके एक रेंट पे मोबाइल भी ले सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, साथ में आप उसका डाटा वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी ये सर्विसेज अवेलेबल है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई और इसके साथ साथ यहाँ पे ये पॉकेट वाईफाई भी अवेलेबल है पर डे जो है एक दिन का 300 येन में दे रहे हैं, और ये आप यहाँ से 300 येन पे करके यहाँ से ये आप ले सकते हैं। तो ये जो है ये पॉकेट वाईफाई होता है, आप इसको लेके जाके अपने साथ वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आपको मोबाइल फ़ोन भी रेंट पे मिल जाता है।